हेलो माय डियर व्यूअर्स, आई एम अ डी डी स्टूडेंट. वेलकम टू माय चैनल साइंस एंड विज्ञान. टुडे आई विल गिव यू द लेक्चर ऑन द टॉपिक बायो एनर्जेटिक. एंड आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक अर्लियर, बट टुडे इज स्पेशल बिकॉज टुडे आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी थिंग इन हिंदी एज वेल एज पंजाबी. वट एवर आई फील द रिक्वायरमेंट इज फॉर द बोथ लैंग्वेज ऑल्सो. Because I have received number of queries from the student. Some they are not so good in the English, but they want to know about bioenergetic in detail. So I just think to make you one in Hindi mode. Please, before to proceed further, please to subscribe my channel and don't forget to like and share the video. So lecture start hai Hindi mein. Topic hamara bioenergetic. First of all, सबसे पहले बायो एनर्जेटिक है क्या? बायो प्लस एनर्जेटिक. बायो का मतलब आपको क्लियर ही होगा, बायो मीन बायोलॉजिकल सिस्टम, एनर्जेटिक मीन व्हेन वी, जब हम किसी की एनर्जी के बारे में सोचते हैं वो है बायो एनर्जेटिक. कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग, डू रिमेम्बर, याद रखना है बिल्कुल. अगर जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, लिविंग सिस्टम के बारे में हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो बायोलॉजी होगी. बायो एनर्जेटिक मीन हम एनर्जी के बारे में जानेंगे. एनर्जी तो वही है जो हम पढ़ते थे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ, ठीक है, वही उसी के बारे में पढ़ेंगे, बट बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो एनर्जी चेंजेस हो रही है उसको, ठीक है. बेसिक इसमें क्या है, बायोकेमिकल थर्मोडायनेमिक्स है. अब बायोकेमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या है, मैंने अभी बोला बायो एनर्जेटिक मीन जिसमें हम बायोलॉजिकल सिस्टम को लेते हैं, और बायोकेमिकल थर्मोडायनेमिक्स मीन थर्मो मीन हीट, डायनेमिक मीन व्हेन वी ऑब्जर्व द पावर ऑफ द हीट, फाइन. तो बायोकेमिकल थर्मोडायनेमिक किसको बोलते हैं, सॉरी, इट इज़ अ स्टडी दैट इज डील विद एनर्जी चेंजेस. एनर्जी चेंजेस क्या हो सकती है, या तो वो ट्रांसफर होएगी एनर्जी, या वो यूटिलाइज होएगी, ठीक है, इन बायोकेमिकल रिएक्शन. आई रिपीट, बायोकेमिकल थर्मोडायनेमिक ये वो स्टडी है जिसमें हम एनर्जी चेंजेस के बारे में जानते हैं, जिसमें ईदर या जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है. जैसे ट्रांसफर मीन, जैसे मैंने एक सिस्टम को हीट किया, फाइन, दूसरे सिस्टम के साथ, एक से हमने एनर्जी ट्रांसफर करी दूसरे में, एनर्जी ट्रांसफर हुई, या फिर वो यूटिलाइज होगी, वो एनर्जी हमने यूज़ कर ली, ठीक है, दोनों प्रोसेसेस में. जो स्टडी को बोलते हैं उसको बोलते हैं बायोकेमिकल थर्मोडायनेमिक. अब बायोलॉजिकल सिस्टम है वो आइसोथर्मिक होता है. पहले आइसोथर्मिक का मतलब क्या है, आइसो मीन सेम, थर्मक मीन हीट. वो जो सिस्टम जिसमें जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे उसको बोलते हैं आइसोथर्मिक. एंड जनरली ऑल द बायोलॉजिकल सिस्टम दे आर एसेंशियली आइसोथर्मिक एंड दे यूज केमिकल एनर्जी टू पावर लिविंग प्रोसेसेस. लिविंग प्रोसेसेस क्या है, लिविंग प्रोसेसेस है जैसे जो हमारी बॉडी में हो रही है उसको बोलेंगे लिविंग प्रोसेसेस. टू पार मीन जैसे हमारे बॉडी में ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है या ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उस प्रोसेस को होने के लिए हमें कोई एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है. तो उसमें जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो हम केमिकल एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं, वो बायोलॉजिकल सिस्टम से ले रहे हैं, ठीक है. और जनरली क्या होती है, वो आइसोथर्मिक होती है. आइसोथर्मिक क्या है, जिसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है. एनिमल ऑब्टेन सूटेबल फ्यूल फ्रॉम इट्स फूड टू प्रोवाइड दिस एनर्जी. कहते इसमें क्या है, जो एनिमल हैं वो जो फूड से एनर्जी लेते हैं, सेम ही है, हम भी ह्यूमन बींग हैं, हम कहाँ से एनर्जी लेते हैं, फूड से लेते हैं. तभी हम, आपने ऑब्जर्व किया होगा जब हमें कभी भूख लगती है खाना खाने के बाद हम कितने एनर्जेटिक हो जाते हैं, क्योंकि हम वहाँ से एनर्जी ले रहे हैं. डेथ फ्रॉम स्टारवेशन अकर्स व्हेन एनर्जी रिजर्व्स आर डिप्लीटेड. कह रहे आपने न्यूज में भी देखा होगा कि कोई लोग मर गए, भूख से मर गए कोई
इसलिए मरते हैं भूख से, जब जो एनर्जी रिजर्व्स है वो खत्म हो जाते हैं, डिप्लीट मीट खत्म हो जाना। जैसे हमें पता है कि ग्लूकोज है वो बॉडी में स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, जब सारा ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया, ठीक है, हमारे पास कोई एनर्जी रिजर्व नहीं बचा, तो क्या होगा, वो जो पर्सन है वो डेड हो गया। सर्टेन फॉर्म्स ऑफ माल न्यूट्रिशन आर एसोसिएटेड विद एनर्जी इम्बैलेंस, कह रहे हैं ऐसे बहुत कंडीशंस हैं जो एनर्जी इम्बैलेंस के साथ एसोसिएट होती है। एग्जाम्पल है मरास्मस, ठीक है, जहाँ माल न्यूट्रिशन क्या है, किसी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिले। आपने देखा होगा न्यूज़ में, आई थिंक एक जो वीडियो, एक तो फोटो थी वो वायरल भी हुई थी, द चाइल्ड दे लुक वेरी माल न्यूट्रिशन पर्सन। थायराइड हार्मोन कंट्रोल द रेट ऑफ एनर्जी रिलीज, कह रहे हमारी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन है, हमें पता है वो क्या करते हैं, वो एनर्जी रिलीज के रेट को कंट्रोल करते हैं। एनर्जी रिलीज का रेट क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट जैसे हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, वो डिजेस्ट हो रहा है, वो किस पे डिपेंड है, वो मेटाबॉलिक रेट पे। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभार कई इंसान को तो बहुत जल्दी भूख लगती है, और कई क्या होते हैं वो चार पाँच घंटे आराम से बैठे रहते हैं, उनको भूख नहीं लगती, बिकॉज देयर मेटाबॉलिक रेट इज हाई। इफ देयर मेटाबॉलिक रेट हाई दे फील वेरी हंग्री आफ्टर अबाउट 2 आवर्स, और कईयों का है मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है, ठीक है, एंड द डिजीज रिजल्ट व्हेन दे आर माल न्यूट्रिशन। एक्सेस एनर्जी और एक्सेस स्टोरेज ऑफ एनर्जी कॉज ओबेसिटी, मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ वेस्टर्न सोसाइटी। हमने ऑब्जर्व किया होगा जो वेस्टर्न सोसाइटी के लोग हैं वो कितने मोटे मोटे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके उनके बॉडी में एक्सेस स्टोरेज ऑफ एनर्जी हो जाती है, और वो बहुत बड़ी, ये भी एक डिजीज है, ऐसा नहीं है खाते रहो, एक्सेस वेट है वो भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, एक्सेस वेट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। आई होप यहाँ तक तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है, वो कहता है कि जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की, सिस्टम में क्या आ गया, एक तो सराउंडिंग आ गया, ठीक है, और एक वो सिस्टम का खुद अपना आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, कह रहे टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इंक्लूडिंग इट्स सराउंडिंग रिमेन कॉन्स्टेंट। जैसे मैंने कोई हम सिस्टम को ऑब्जर्व करें, कोई भी सिस्टम है, आप किसी को पानी को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, जब पानी को गर्म किया, अगर ठंडा हो रहा है तो जो उसका सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, क्योंकि वो जो ट्रांसफर ऑफ हीट हो रही है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक यही कहता है द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इंक्लूडिंग इट्स सराउंडिंग दे रिमेन कॉन्स्टेंट, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहता क्या है, एनर्जी इज नीदर लॉस नॉर गेन ड्यूरिंग एनी चेंज। कह रहे जब कोई भी चेंज होता है, जहाँ ना तो एनर्जी कोई लॉस्ट होती है ना वो गेन होती है, सिंपली क्या होता है, एनर्जी एक सिस्टम से ट्रांसफर हो रही है दूसरे सिस्टम में। फाइन, एनर्जी क्या हो रही है, इट मे बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सिस्टम टू अनदर पार्ट, और मे बी ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एनर्जी खत्म होगी, जीरो होगी, बस एक फॉर्म से कन्वर्ट होगी दूसरे फॉर्म में जाएगी, वही है एनर्जी। इन लिविंग सिस्टम केमिकल एनर्जी मे बी ट्रांसफॉर्म इनटू हीट और इनटू इलेक्ट्रिकल रेडिएंट और मैकेनिकल एनर्जी। कह रहे लिविंग सिस्टम में जो केमिकल एनर्जी है वो हीट में भी ट्रांसफर हो सकती है, इलेक्ट्रिक रेडिएंट और मैकेनिकल एनर्जी में भी ट्रांसफर हो सकती है, किसी में भी ट्रांसफर हो सकती है, बस वो लॉस्ट और गेन नहीं हो रही। और ये तो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है, वो कहता है द टोटल एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम मस्ट इंक्रीज इफ अ प्रोसेस इज टू अकर स्पोंटेनियसली। कह रहे आपको एंट्रोपी तो पता ही है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस वो बताता है, डिग्री ऑफ रेंडमनेस वो बताता है एंट्रोपी, और कह रहे जो सिस्टम की टोटल एनर्जी एंट्रोपी है वो बढ़ती रहेगी अगर जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियसली अक्कर करे, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कम होएगी। अब एंट्रोपी है क्या, जो मैंने अभी आपको बताया, दैट इज द एक्सटेंट ऑफ डिसऑर्डर और रेंडमनेस ऑफ द सिस्टम, दैट इज एंट्रोपी। एक्सटेंट ऑफ डिसऑर्डर आई बिलीव इसका ये आपको पता होगा,
ये एक सिस्टम को बताता है कि एक जो सिस्टम है कितना कुछ भी रेंडमनेस हो सकती है, वो एंट्रोपी बता रही है अंडर कंडीशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. और ये कंडीशन होनी चाहिए, टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ठीक है. उस कंडीशन में रिलेशन क्या होगा बिटवीन द फ्री एनर्जी चेंज एंड द चेंज इन एंट्रोपी, दैट इज डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ये क्या है, जब हम दोनों लॉ को कंबाइन करते हैं, एक लॉ क्या कहता है, एक लॉ कहता है कि एनर्जी इज रिमेन सेम, इट नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. जो एनर्जी है वो कभी भी खत्म नहीं हो रही और ना वो नहीं बन रही है, वो क्या हो रही है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रही है. और सेकेंड लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि जो एंट्रॉपी है वो लगातार बढ़ती रहेगी अगर जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियसली चलता रहे. अगर दोनों को कंबाइन कर दिया तो वो इस एक्सप्रेशन को देते हैं डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जिसमें डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी. देन डेल्टा एच वो है मेजर ऑफ द चेंज इन हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट कंपेयर टू द प्रोडक्ट, दैट इज डेल्टा जी. और इसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन एंथैल्पी. टी तो हमें पता ही है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और डेल्टा एस क्या है, वो एंट्रोपी है. बायोकेमिकल रिएक्शन बिकॉज डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई, द टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, द सेम रिलेशन. अगर डेल्टा जी जो डेल्टा जी सॉरी जो डेल्टा एच है वो डेल्टा ई के इक्वल हो जाए, उसमें क्या होगा, सिंपली क्या कर देंगे, डेल्टा एच को रिप्लेस कर देंगे डेल्टा ई के साथ, सेम एक्सप्रेशन ही आ गई, बस हमने वही चेंज किया, ठीक है. इसमें अब हम बताएंगे कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो एक्सर्गोनिक रिएक्शन क्या होगा, आपको पता तो होना चाहिए. एक्सर्गोनिक क्या होता है, व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ फ्री एनर्जी, दैट इज एक्सर्गोनिक रिएक्शन, ठीक है. हम डेल्टा जी से देख के बता सकते हैं कि जो हमारा रिएक्शन है वहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है और गेन ऑफ एनर्जी हो रही है, ठीक है. अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या प्रोसीड होगा, विद द लॉस ऑफ फ्री एनर्जी, दैट इज एक्सर्गोनिक रिएक्शन. अगर डेल्टा जी का ग्रेट मैग्नीट्यूड है उसमें क्या होगा, रिएक्शन है वो गोज टू कंप्लीशन, वो बस कंप्लीट होने वाला है अगर डेल्टा जी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो, और उस रिएक्शन को हम बोलेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल आपको पता है, रिवर्सिबल में जिसमें हम डबल एरो लगाते हैं, फाइन. और इरिवर्सिबल क्या है, जिसमें डेल्टा जी का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो, कह रहे रिएक्शन बस कंप्लीट होने वाली है, वो रिवर्स नहीं हो रही, ठीक है. और पॉजिटिव किस केस में है, अगर फ्री एनर्जी गेन हो, उसको बोलते हैं एंडरगोनिक, ठीक है. इसको अभी हम दोबारा रिवाइज करते हैं, कह रहे डेल्टा जी जी अगर नेगेटिव हो तो रिएक्शन प्रोसीड होगा विद द लॉस ऑफ फ्री एनर्जी, दैट रिएक्शन इज टर्म्ड एज एक्सर्गोनिक. एंड डेल्टा जी इफ द डेल्टा जी हैज अ ग्रेट मैग्नीट्यूड, रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन एंड इट इज इरिवर्सिबल. इफ द डेल्टा जी इज पॉजिटिव, रिएक्शन प्रोसीड ओनली इफ फ्री एनर्जी गेन, दैट इज एंडरगोनिक. एक एक्सर्गोनिक है, एक एंडरगोनिक है. हम डेल्टा जी से बता सकते हैं, अगर आपको कोई बोले कि डेल्टा जी पॉजिटिव है, बताओ इसमें कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ, तो आप सिंपली कह लिख दो एंडरगोनिक रिएक्शन है. अगर डेल्टा जी जीरो है, इसका मतलब क्या है, सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पे है, उसमें कोई नेट चेंज नहीं आ रहा, ठीक है. अगर वो जीरो है, अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसका, तो वो क्या है, वो है इरिवर्सिबल रिएक्शन. स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेन कैलकुलेटेड फ्रॉम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज की के इक्विलिब्रियम, इसमें क्या है, आर है गैस कांस्टेंट है, टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एंड अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट इज डिपेंडेंट ऑन द एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट. अब हम क्या बताने वाले हैं, जो कह रहे हैं जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उस पर डिपेंड करती है एनर्जी, ठीक है. हमने अभी इससे पहले
पीपीटी में देखा ना कि हम एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अब हम फ्री एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और कईयों में इसको हम गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पेपर में आता होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग एन बी अपॉन ए। अब बी क्या है बताओ, बी क्या है? वो है प्रोडक्ट। अब देखो आपने वहां पे हमने लिखा हुआ है ए इज रिएक्टेंट एंड बी इज प्रोडक्ट। इसमें डेल्टा जी नॉट क्या है, वो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है, और आर क्या है, गैस कांस्टेंट है जिसको हम 1.987 कैलोरी पर मोल लिखते हैं, और टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड लॉग एन इज नेचुरल लॉग, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फाइन, ये क्या है, हमारी फ्री एनर्जी चेंज की एक्सप्रेशन है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई आपको टर्म नहीं क्लियर, किसी के बारे में नहीं पता, प्लीज़ कमेंट करो चैट बॉक्स में। यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सअप और थ्रू यूट्यूब ऑल्सो। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।